विश्वविद्यालय परिसर में स्नातक के बच्चों का लगा जमावड़ा। दरभंगा विश्वविद्यालय क्षेत्र अंतर्गत सभी जिले के कॉलेजों में 12 दिसंबर से स्नातक सेकंड पार्ट की परीक्षा होने वाली है। इसी को लेकर विश्वविद्यालय के द्वारा सभी को 3 दिसंबर तक फॉर्म भरने की तारीख दिया गया था, ताकि सभी बच्चों को एडमिट कार्ड बन सके और वो एग्जाम दे सके। इसी को लेकर बहुत सारे बच्चे विभिन्न विभिन्न कॉलेजों के जो अपना फॉर्म नहीं भरे, उसे परीक्षा विभाग के द्वारा कुल सचिव से बात कर आज लिया जा रहा है, जिसमें काफी बच्चे की संख्या हुई। अब देखना यह है कि क्या यह बच्चा एग्जाम दे पाते हैं या नहीं, क्योंकि इतने कम समय में एडमिट कार्ड बनाना उचित नहीं है। विश्वविद्यालय के द्वारा समस्या बच्चा लोगों ने अपने खुद क्रिएट किए हैं। जैसे 3 तक जो है हमने ऑफलाइन फॉर्म भरने का समय दिया था, बच्चे लोगों को पता रहने के बाद भी वो लोग अपने महाविद्यालय जाकर के फॉर्म नहीं भरे। अब जब 3 तारीख को फॉर्म का डेट ऑफलाइन खत्म हो चुका है और कॉलेज को 5 तारीख तक यूनिवर्सिटी में जमा करना है ताकि मैं समय पर उनका एडमिट कार्ड जनरेट कर सकूं, तो आज आते हैं छात्र की हमारा फॉर्म छूट गया। जब मैंने तुमको समय दिया था तो तुमने फॉर्म भरा क्यों नहीं? और आज अगर हम फॉर्म फिर लेना शुरू करते हैं, एडमिट कार्ड की कोई गारंटी नहीं है कि उनका बनिए जाएगा और वो परीक्षा में बैठ पाएंगे, तो फिर वो हल्ला करेंगे कि मेरा एडमिट कार्ड नहीं बन रहा है। जो पूर्व में भरे हैं उसका एडमिट कार्ड इश्यू हो चुका है, उनका बनना शुरू हो गया है। कब से मिलना चालू हो जाए? और इन लोगों का 7 तारीख से 12 से परीक्षा है, ठीक, तो लगभग 10 तारीख तक सबको एडमिट कार्ड मिल जाएगा। आज मान लीजिए 6 तारीख हो गया, 12 से परीक्षा है, अभी तक यदि हम फॉर्म भराना शुरू करें तो परीक्षा का कार्यक्रम और एडमिट कार्ड का जनरेशन कैसे होगा? तो छात्र जो है जो छोड़ दिया है अपना फॉर्म भरना, समय पर तो वो लोग काम करते नहीं है। तो मैंने नियम के विपरीत जाकर के फॉर्म ले रहा हूँ, क्योंकि रजिस्ट्रार साहब का मुझको अनुमति मिली है, लेकिन इसका कोई गारंटी नहीं है कि इनका एडमिट कार्ड समय पर मिल जाएगा। कितने आवेदन जमा हुए अभी तक? अभी तक तो 50 आवेदन जमा हो चुके हैं। क्या इतने बच्चे परीक्षा से वंचित किया जाएगा? वंचित नहीं, अगर एडमिट कार्ड बन गया तो देंगे परीक्षा, एडमिट कार्ड नहीं देंगे तो फिर कोई विकल्प ढूंढा जाए। बच्चे कैसे एडमिट कार्ड बनेगा या नहीं? बच्चा फॉर्म भर रहा है, ये तो खुद जानता है कि हमारा एडमिट कार्ड नहीं बनेगा। कौन डिपार्टमेंट में जमा हो रहा है ये? हम अपने कैश काउंटर पर जमा कर रहे हैं। फॉर्म कहाँ ले रहे हैं आप? कैश काउंटर। अपना परिचय दीजिए। मैं परीक्षा नियंत्रक।